वार्ड नंबर 4 है, और यहाँ से जो हैवे टच ये रोड जो है शहर से निकलता है और शहर के बाहर जाता है। तो इस शहर को आप किस किस नज़रिए से देखेंगे? आप ये शहर के अंदर 4 दाखिली रास्ते हैं, जिसमें से एक ये रास्ता जो है अपना मशरिकी इकबाल रोड, ये वार्ड नंबर 4 के अंदर है, ये सीधा हैवे टच होता है। इसकी खस्ता हाली के लिए कोई भी लीडरान ने इसके ताल्लुक से बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं बात। मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने कार और भी गाड़ियों के लिए सीट बेल्ट का नज़्म किया है। मुझे तो अब लगता है कि मालेगांव शहर के अंदर बाइक पे भी सीट बेल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा दंके गड्ढे इतने ज़्यादा है कि अब यहाँ पर बाइक पर भी जो है सीट बेल्ट की इजाज़त मिलना चाहिए। तो ये देखिए, ये शहर जो है यहाँ से अभी ये गटर देखिए, गटर का निज़ाम इतना ख़राब कि पूरा गटर का बदबूदार पानी रोड पर आ रहा है। और यहाँ पर उम्मीद हाई स्कूल है, उम्मीद हाई स्कूल वो जहाँ से उम्मीद ये होती है कि वहाँ से लोग टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर ऐसे लोग बने, वो वहाँ दर्शगाह की जगह पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो बताओ वहाँ के बच्चे क्या सीखेंगे? वहाँ से बच्चे किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे, कैसे स्कूल में जा रहे? और ये गरीब गुंजान वाला आबादी का इलाका है पावरवाड़ी, ये पूरी ज़रूरियात से महरूम है। और ये शहर के लीडरान जलसे जुलूस बड़ी बड़ी जगह जो है अपनी वाहवाही के चर्चे करने में मगन है, शहर पूरी तरीके से लावारिस हो गया। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्राउंड लेवल पर उतरिए और इस मैदान में आकर हमारे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह शहर को तब्दील करने की ताकत नौजवानों के अंदर होती है, और इंशाल्लाह आने वाले जुमा के वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को रोककर जिस तरीके से इस रोड को बनना चाहिए उसके लिए रास्ता रोको आंदोलन, और यहाँ पर एक आंदोलन करने की हमारी कोशिश है। ये अधिकारियों, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, मैंने कमिश्नर साहब को यहाँ फ़ोन करने के बाद आधा घंटा हो गया, कमिश्नर साहब का ये साफ साफ कहना है कि भैया हम हवाई जहाज से उड़कर तो नहीं आ सकते। तो मैंने कहा कि उड़कर नहीं आ सकते, लेकिन हम तो एक घंटे से यहाँ मौजूद है, लेकिन अब तक कोई कर्मचारी नहीं आया। कर्मचारी रास्ते में आने वाला है, अब कब तक आएंगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये पवारवाड़ी रोड पर एक मौलवी अब्दुल हक मस्जिद है, यहाँ पर जब नमाजी जो है नमाज के लिए आता है तो यहाँ पूरा गंदगी का जो मतलब गटर का नाले का पानी उसके पैर में लगकर वो मस्जिद में दाखिल होता है, जहाँ से पाक दामनी और पाकी का दर्श दिया जाता है। वो मस्जिदी भी आज इन लीडरानों के लिए जो है कोई भी ऐसा नमूना नहीं बन पा रही। बस ये हो गया कि शहर के अंदर एक ही सियासत चल रही है, कभी इसका घर, कभी उसका घर, कभी इधर से ये जीत रहे, कभी उधर से ये जीत रहे, और आवाम जो है वो बॉल के ऐसा पीछे जा रही है, कभी ये बैटिंग करते, कभी सामने वाला बॉलिंग करता है। तो क्या आवाम इसी के लिए है? अरे इनका मेहनत, इनकी कमाई, इनकी हक हलाल कमाई का पैसा आप नाजायज़ तरीके से उसको इस्तेमाल करते हो, ये कहाँ की सियासत है? आप जो है लीडर नहीं, मैं लीडर नहीं कह रहा हूँ आप लीडर है ही नहीं। अगर लीडर होते तो लोगों के दुख दर्द को महसूस करते। शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रू बयां।